कोनिया मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक आपका 3 फीट होना है, ऐसे करके साउल गिराना। देखिए क्या है कि अगर 10x10 का कॉलम हो तो ऐसे रिंग मान लीजिए, साथ साथ का ये रिंग है, समझ लीजिए साथ साथ का रिंग है, ये कॉलम जो है इसी में बैठेगा, ये साइड। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसार आलम। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि घर का फाउंडेशन यानी पिलर लेआउट कैसे करें। तो दोस्तों बहुत सारा दोस्तों का कमेंट था कि सर आप हमें बताएं कि पिलर लेआउट कैसे करें। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत कष्ट और मेहनत करके इस वीडियो को तैयार किया हूँ यानी बनाया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और अभी तक जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नया आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों जानिए। जी बहन, आप तो जानते हैं कि घर बनाने से पहले आप लोगों को फ्लोर एरिया जानना होता है, चाहे वो 2000 स्क्वायर फीट का हो या 1000 का हो या 700 का, 800 का, 1500 का, जितना भी हो। तो दोस्तों हमारे पास उतना एरिया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक जगह में आपका 6x8 का एरिया लेकर आपको इसमें फाउंडेशन करने का तरीका बताएंगे, और कैसे साउल करके, साउल गिरा करके, गड्ढा खोद करके, फिर साउल गिरा करके हम लोग कॉलम खड़ा करते हैं। तो आप देखिए कि ये एरिया जो हम ऐसे आगे मार दिए हैं ऐसे करके, तो ये 6x8 फीट का एरिया ले चुका होता। दोस्तों जब भी हम लोग फाउंडेशन करते हैं, फाउंडेशन करने के लिए पहले जैसे कि हम लोग एक साइड 2 फीट, 1.5 फीट, 6 इंच कुछ भी तो हम लोग छोड़ते हैं, तो उतना एरिया छोड़ करके, तो कैसे छोड़ना है दोस्तों, फीता लेना, जैसे जमीन का ये आली है, यहाँ से आपको 1 फीट अगर छोड़ना हो तो 1 फीट ऐसे कर नापी करके ये खुटी धसा देना, ऐसे यहाँ ये आली से यहाँ 1 फीट नापी करके खुटी धसा देना, उसके बाद ये धागा आपको खींच लेना। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड कि आप दूसरा साइड हमको कितना छोड़ना होता, तो आप लगभग 1 फीट छोड़ना हो तो 1 फीट इधर से भी माप करके खुटी धसा दीजिए, और इधर से भी 1 फीट माप करके खुटी धसा दिए, तो यहाँ होता है। तो उसके बाद दोस्तों जब हम लोग गोनिया मिलाते हैं, जैसे गोनिया मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक आपका 3 फीट होना है। अगर आप यहाँ 3 फीट 4 फीट भी ले सकते हैं, अगर इधर 4 फीट लेंगे तो इधर 3 लेना होगा, या इधर 3 लेंगे तो इधर 4 लेना होगा, और बीच का 5 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 3 फीट हो चुका है फ्रेंड, तार से बांध करके आपको दिखा रहे हैं, आप रस्सी या मार्कर पेन से दाग मार सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ 4 फीट जी फ्रेंड, 4 फीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक कोना से लेकर यहाँ तक 5 फीट होना चाहिए, तो 5 फीट नहीं हुआ इसलिए इसको हम और भी इधर दबा देंगे। फिर क्या करेंगे फ्रेंड, फिर से इसको मापी मारेंगे, क्योंकि ये भगाने की वजह से यहाँ भी भाग जाता है, इसलिए इसको फिर से नापी ले लेंगे। जी फ्रेंड हो गया 4-3, अब यहाँ से 5 फीट मापना है, देख सकते हैं फ्रेंड एक्यूरेट 5 फीट हो चुका है। तो आप देखिए दो साइड हम लोग क्या करते हैं, धागा खींच करके एक्यूरेट गोनिया में एरिया को ले लेते हैं। उसके बाद हमको कितना बाई कितना का रूम बनाना होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से आपको यहाँ अगर 12 फीट लेते हैं तो 12 फीट का नापी यहाँ से यहाँ सीधा करके धसा देना है खुटी, तो हम 4 फीट ही ले रहे हैं क्योंकि यहाँ समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये खुटी यहाँ हो गया, जैसे 12 फीट वहाँ लिया तो यहाँ से फिर यहाँ आप 12 फीट ले लीजिए, मैं 4 फीट ही ले रहा हूँ आप लोग समझाने के लिए। और ठीक है, यहाँ से यहाँ तो हो गया 12 फीट मान लेते हैं, इधर हमको 10 फीट लेना है, तो यहाँ से यहाँ 10 फीट कर देते हैं, मैं 4 फीट ही लिया हूँ, और यहाँ से आपको यहाँ ले लेना, तो मैं इसको भी 4 फीट ले रहा हूँ। अब क्या करना है फ्रेंड, अब धागा लेना है, धागा काटना भी नहीं, ऐसे करके धागा लपेट लेना है, सिंपल तरीका है, ऐसे करके लपेट लेना है। फ्रेंड ये फाउंडेशन का एरिया हो गया, अब हम लोग का कॉलम कहाँ आता है, यहाँ आता है कोना कोना में। तो अब हम लोग कॉलम का दागी कैसे मारेंगे, तो आप देखिए कि यहाँ से आप आउटसाइड पहले बात को समझिए, अगर आप इंजीनियरिंग नक्शा देखेंगे तो ये सेंटर टू सेंटर रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हम इसको यहाँ से गिराते हैं,
तो हो सकता है कि इंजीनियर का नक्शा ये कॉलम का, ये मान लीजिए कॉलम है तो इसका सेंटर भी दागी दे सकता है। तो हम लोग जनरली अपने से जब करते हैं तो बाहर फेस का धागा खींचते हैं, तो ऐसे सेंटर हुआ, तो सेंटर करने के बाद आप क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट 10 और यहाँ से 10, दोस्तों यहाँ से 10 लेने के बाद अब इसको हम यहाँ सेंटर मानते हैं। तो यहाँ सेंटर मान करके क्या करेंगे, अगर 4x4 का जाली हो या 5x5 का जाली हो, 10x10 का जो भी हो, तो हम 4x4 का जाली समझते हैं अभी। इसलिए 2 फीट इधर खींच लेंगे, 2 फीट यहाँ से उधर, 2 फीट यहाँ से इधर इधर, ऐसे करके 2 फीट 2 फीट करके 4x4 का हम लोग गड्ढा खोद लेंगे। ऐसी सबका सेम प्रोसेस है दोस्तों। गड्ढा खोदने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 इंच बालू देने के बाद, 3 इंच एक ईंट लगाने के बाद, हम लोग क्या करते हैं फिर कि इसमें 3 इंची PCC डाल देंगे। 3 इंची PCC डालने के बाद आप कॉलम बैठाने का प्रोसेस आता है। तो ऐसे ही हम लोग धागा पहले खोल लेना है, गड्ढा जब भी खोदेंगे तो धागा खोल लेना है, उसके बाद धागा फिर ऐसे ही बांध देना और गोनिया ऐसे मिला करके इसमें हम लोग धागे मार करके कॉलम बैठाना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे हम लोग कॉलम बैठाते हैं धागे मार करके धागा से। तो दोस्तों जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक मसला लेंगे, तो मान लेते हैं कि ये एक गड्ढा हम खोद चुके हैं, ये गड्ढा मान लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें कॉलम बैठाना है तो कैसे बैठाएंगे, इसको आप गड्ढा मान लीजिए, हम मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे मसाला लेंगे, मसाला लेने के बाद यह मसाला हम लोग गिराएंगे, देखिए दोस्तों मसला आप बिछा दिए, ऐसे करके साउल गिराना, देखिए गिरा दिए, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ ले लेना और एक पॉइंट यहाँ ले लेना धागा से। अब देखिए फ्रेंड, ये पॉइंट से ये पॉइंट ऐसे करके साउल का ही धागा बैठा देना है, आ गया धागा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस एरिया में हमको और भी मसला चाहिए, तो ऐसे आपको मसला दे देना है। तो आप देखिए ये धागे हम लोग उतारते साउल गिरा करके किए हैं। अब दोस्तों हम लोग करना क्या है कि अगर 10x10 का कॉलम हो तो ऐसे 10 इंच माप लेना है ऐसे, तो दोस्तों देखिए ये आप 10x10 का कॉलम का दागी हो गया परफेक्ट। अब क्या करना है दोस्तों, इसको 1.5 इंच कवरिंग दे देना है, अगर नापी करके कवरिंग दे देंगे आप तो क्या होगा, काम करने में सुविधा होगा। तो देखिए हम 1.5 इंच का कवरिंग दे दिए, अब हमारा कॉलम जो बैठेगा वो कॉलम ये रिंग मान लीजिए, साथ साथ का ये रिंग है, समझ लीजिए साथ साथ का रिंग है, ये कॉलम जो है इसी में बैठेगा, ये साइड वाला जो कवरिंग है इसमें हमारा जो है माल कवरिंग के लिए माल भरेगा, 10 इंच करें ये पूरे वही है। तो ये करने के बाद ये साथ साथ अंदर ले लीजिए 1.5 इंच छोड़ कर, ताकि ये कॉलम जो है सेंटर बैठेगा। तो दोस्तों यही प्रोसेस है कॉलम बैठाने का। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को सीख मिला होगा, सीख मिला हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।